गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपनी लर्निंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखने के लिए आए हैं तो जाहिर सी बात है आपको अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है या उसे बेहतर बनाना है ताकि आपका जो इम्प्रेशन है दूसरों के सामने सही जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास एक क्लियर गोल्स होने चाहिए। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप अच्छे से अपनी लर्निंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर आपके पास गोल्स होंगे तो आपका मन करेगा कि मैं इस चीज़ को करूं, जितने मर्जी चैलेंजेस आ जाए, जितने मर्जी सेटबैक्स आ जाए, मैं करूंगा ये काम, अच्छे से करूंगा। तो इससे आपकी प्रैक्टिस डेवलप होगी और जब आपके गोल्स होंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, तो डेफिनेटली आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अपने माइंडसेट को समझाना है, अपने माइंड को समझाना है कि आप कुछ भी समझ सकते हैं, कुछ भी लर्न कर सकते हैं, आप बहुत ही तेज़ हैं, आपका दिमाग बहुत ही होशियार है। तो डेफिनेटली जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके बीच में आएंगी वो धीरे धीरे हटती जाएंगी क्योंकि आपका खुद पर विश्वास है। जब इंसान का खुद पर विश्वास होता है तो वो धीरे धीरे सारी चीज़ों को अचीव कर लेता है। अभी का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोर होके एक ही किताब पढ़ते रहें, आप टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जिससे आपकी नॉलेज गेन होगी, आपकी लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ट्राई कीजिए कि आप इंटरेक्ट करें दूसरों के साथ जो लोग इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, पढ़ना उनको पसंद है, तो ऐसे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनसे भी आपको नॉलेज गेन होगी। आपका अगर एटमॉस्फेयर, आपका एनवायरनमेंट ऐसे लोगों के साथ होगा जो लोग काफ़ी डेवलप्ड हैं, जो लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को फायर करना चाहते हैं, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ रह के आप में भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ देखने को मिलेगी। कई सारे मीडियम्स होते हैं, डिफरेंट मीडियम्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप सुन के अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, पढ़ के अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, देख के अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। हर वक्त आपके दिमाग में यही चलना चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ सीखना है। अगर आप बाहर भी निकलते हैं, मार्केट जाते हैं, तो लोगों को आप देखिए कि वो लोग किस तरह से क्या काम कर रहे हैं, उससे उन्हें क्या बेनिफिट हो रहा है, कैसी अर्थव्यवस्था है, आसमान कैसा है, पृथ्वी कैसी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दुनिया में, इन सब चीज़ों को आप अब्जॉर्व करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी जो समझने की क्षमता है, याद करने की क्षमता है, वो इंक्रीज होगी। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में करते रहिए और हमेशा ब्रेक्स लेते रहिए। हमारा जो ब्रेन है उसे भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को भी बीच में रोकना पड़ता है ताकि उसका जो इंजन है वो कुछ टाइम के लिए ठंडा हो जाए। उसी तरीके से हम जब पढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन को भी शांति की ज़रूरत होती है, उसे भी ठंडा करना होता है ताकि वो फिर से अच्छे से काम कर सके। तो हमेशा ब्रेक्स लेते रहिए, कहीं घूमने जाते रहिए। अगर घूमने जाते हैं तो वहाँ भी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जॉर्व कीजिए, आपकी लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। आज की जो यूथ है उनमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि 2-3 बजे तक रात को वो सोते ही नहीं हैं। जब वो टाइम से सोएंगे नहीं, उनका शेड्यूल ख़राब हो जाएगा, वो अच्छे से उनकी जो कैपेसिटी है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। तो आप अच्छी नींद लीजिए, जब अच्छी नींद लेंगे तो डेफिनेटली ऑटोमेटिक आपकी जो मेमोरी है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अच्छी आप डाइट लीजिए, फास्ट फूड को पूरी तरह से आप अवॉइड कर दीजिए। जितना आप फास्ट फूड को अवॉइड करेंगे, फ्रूट्स ज़्यादा लेंगे, वेजिटेबल्स ज़्यादा लेंगे, तो उससे भी आपकी बॉडी जो है वो डेवलप होगी, आपकी जो ब्रेन की क्षमता है वो भी इंक्रीज होगी। और एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इससे बहुत सारे केमिकल्स, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके लर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है। आजकल के जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम करते कुछ नहीं है लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। लेकिन आपको करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस को तो बिल्कुल दूर रखना है। ये बात आपको मान के चलना है कि स्ट्रेस से हमारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। बस वही काम करेंगे जिनसे हमें कुछ प्रॉफिट होता है, यानी कि आपको खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है। ये सब चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी। अपने लर्निंग स्टाइल को आप चेंज कीजिए, किसी को मेंटर बनाइए, किसी को रोल मॉडल बनाइए जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलती हो। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन वो नहीं है जो आप YouTube की वीडियोस देखते हैं कि आप कुछ भी कर देंगे, पहाड़ भी तोड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक रोल मॉडल बनाना है, एक रेफरेंस ग्रुप बनाना है जिसे देख के आपको मोटिवेशन आती हो कि हाँ मुझे भी इस इंसान की तरह बनना है। चाहे वो रोल मॉडल आप खुद ही क्यों ना हो, आप खुद भी एक रोल मॉडल की तरह काम कर सकते हैं क्योंकि आप में भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जो सिर्फ आप में होगी, किसी और में नहीं होगी। टेक्नोलॉजी का ज़रूर सहारा लीजिए और कभी भी कोई भी काम करने में डरिए मत। जब आप डरते हैं तो आप हार जाते हैं। आपको कोई भी काम करने से डरना नहीं है, चाहे लोग भी कुछ भी कहें, और आपको धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते जाना है। तो यही कुछ टिप्स हैं जिससे कि हम लर्निंग कैपेसिटी और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं नेक्स्ट टिप्स दूंगा आपको किसी और चीज़ के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।